मुझे खुशी इस बात कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को दो तिहाई जनता हराने जा रही है, दो तिहाई यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। सर, आपका दोस्त क्या है कुमार स्वामी, वो ये मीटिंग पर साथ में? देखिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग का पॉजिटिव कुछ न कुछ निकलेगा।